बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम समर खान प्रेजेंटिंग माय 24th लेक्चर ऑफ क्लास 2 फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 2 लर्निंग गुड हैबिट्स टॉपिक लिविंग टुगेदर वर्कशीट। हियर इज़ योर बुक टाइटल पेज। ओके, इट्स अबाउट लिविंग टुगेदर। ठीक है, इकट्ठे साथ रहना। वी हैव लर्न इन लेक्चर्स अबाउट लिविंग टुगेदर। हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास वर्कशीट क्या है। How do you feel while living with others? हम किस तरह का फील करते हैं जब हम किसी के साथ रहते हैं। I feel good because everyone has their own experiences. ठीक है, सबके साथ रहना बहुत अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आपको शेयरिंग की आदत होती है, आपको एक फैमिली के साथ रहने की, उठने की, खाने पीने की सबकी हैबिट बन जाती है, एक बहुत अच्छी हैबिट बन जाती है। इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर्स? क्या ये फ्रेंडली रिलेशंस, आपस में अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो ज़रूरी हैं? क्या बहुत अहमियत रखते हैं? येस, इम्पॉर्टेंट हैं ये बहुत ज़्यादा। अगर आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रखोगे, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ोगे झगड़ोगे, तो आप एक अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते। अगर आप अच्छे से बात करोगे एक दूसरे के साथ और केयरिंग एटीट्यूड रखोगे, तो फिर आप बहुत एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बना सकते हो। Do you have lots of friends? It's an open-ended question. I'm giving you a temporary answer as I have not too much friends. So मैंने यहाँ पर लिख दिया है no, I don't have. अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप लिख सकते हो yes, I have. अगर नहीं है तो आप यही आंसर लिख सकते हो no, I don't have. ठीक है, और ये सारा काम आप नोटबुक पर ही करोगे। थैंक यू सो मच।